हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं पनीर चिंगारी और ये बहुत ही यम्मी सब्जी बनकर रेडी होने वाली है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और पहले फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है हमारी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और यह हम बनाने वाले हैं तवे पर, और ये मैंने तवा ले लिया। हम एक टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार करेंगे। अब हम डालेंगे तवे पर रिफाइंड ऑयल, एक चम्मच जीरा, चार हरी मिर्च है, बीच में तो स्लाइस कर ली, ये अदरक है थोड़ी सी, ये कद्दूकस की हुई है, थोड़ा सा भुनेंगे अदरक को, आधी चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच आमचूर पाउडर। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे पनीर, अच्छे से मिला देंगे, डाल देंगे, साइड में कर देंगे पनीर को। बीच में सारा ऑयल है जो, वो तेल है जो इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर, एक मीडियम साइज की प्याज, हींग डालेंगे दो पिंच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पे ना सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा कच्चापन निकालना है। देखो अभी से ही कितनी यम्मी लग रही है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को या सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और ये बहुत ही यमी रेसिपी है, अब तक की बहुत ही यूनिक है, इसको टाइम भी नहीं लगता, झटपट बनकर रेडी हो जाती है। अच्छे से मिला देंगे। टमाटर की प्यूरी बनाई थी हम, उसको डाल देंगे, कसूरी मेथी, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, आप इसको एक बार ट्राई करना, आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट जरूर करके बताना। पनीर चिंगारी बनकर रेडी है, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, और गैस को कर देंगे बंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एक प्यार सा कमेंट तो जरूर कर दिया करो फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किया अभी तक तो उसको भी कर लो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको एक और न्यू चटपटी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।